जानकारी के अनुसार निकटवर्ती जेकेपुरम में लेडीज क्लब सोसाइटी द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल के छात्र छात्राओं के सहयोग से कॉलोनी में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को लेडीज क्लब अध्यक्षा श्रीमती राशि सक्सेना ने हरी झंडी देकर रवाना किया, जो पूरी कॉलोनी में कोरोना को हराना है, टीकाकरण करवाना है के नारे लगाते हुए ऑफिसर्स क्लब में समाप्त हुई। इस अवसर पर जेकेपुरम डिस्पेंसरी के डॉक्टर वीके गौड़ एवं मेडिकल टीम प्रिंसिपल अनिल शर्मा, सुरक्षा विभाग हेड विनीत त्रिपाठी, रामस्वरूप वेलफेयर ऑफिसर प्रतीक सुमन, अनु लोढ़ा समाजसेवी, राकेश चंदेल, वीरेंद्र सिंह राठौड़, गोविंद कुमार आदि उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि मीडिया मेरे को इतना सपोर्ट करता है। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि चीन में जिस हिसाब से कोविड ने और इन्होंने पूरा अपना फिर से पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारी सोसाइटी में भी पड़ता है और इंडिया में भी धीरे धीरे केस आने शुरू हो गए हैं। चूँकि ये एक टाउनशिप है और इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। टाउनशिप में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो पूरा टाउनशिप उससे इम्पैक्ट होता है, इसीलिए ये रैली जो है ये अवेयरनेस रैली आपके बीच में हम लाए हैं। और मैं ये कोशिश करती हूँ और पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मीडिया और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा डिस्पेंसरी डिपार्टमेंट, उसके सहयोग से इस रैली को जो है हम सक्सेस बनाएंगे और आने वाली जनता को जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है उसको हम सेव कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके लेडीज क्लब द्वारा समय समय पर जन जागरूकता रैलियाँ निकाली जाती हैं, आगे भी आपका क्या प्रयास रहेगा, आप आगे भी कुछ इस संबंध में कुछ कार्यक्रम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना होता है कि हम टाउनशिप के लोगों के लिए और नियर बाय एरिया के विलेजर्स के लिए कुछ कर जाते हैं तो वो सहयोग हमारा हमारी फैक्ट्री को स्मूथली चलाने में योगदान देता है। और उसके साथ साथ ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए थोड़ा योगदान दें, जिससे कि एक बाउंडिंग बने और हम लोग जो हैं वो नई ऊंचाइयों को छुएं। हमारा अंतिम सवाल, 20 तारीख को आपके यहाँ पे कोविड वैक्सीन के जो बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं, तो आपने क्या कोई टारगेट लेके चले हैं? बिल्कुल, टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडी वर्कर्स हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा महसूस किया है कि लेडीज़ जो होती हैं वो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अपना टाइम डिवोट करती हैं बट वो अपने बारे में नहीं सोचती हैं, तो इसीलिए रामस्वरूप जी के पूरे प्रयास से और डॉक्टर साहब के पूरे प्रयास से हमने ये कोशिश की है कि हम जो प्रायोरिटी दें वो लेडीज़ वर्कर्स को दें, उसके बाद टाउनशिप की लेडीज़ को दें और उसके बाद जो है हम वर्कर्स पे आएंगे। और मैं ये चाहूँगी कि इसमें जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।